पूरे रास्ते में कहीं पे वो अगर डूब जाता है तो
अगर उसने इंडिया से इंश्योरेंस करा रखा है, इंडिया से स्टॉक लिया आ रहा है ना, बच्चों ने मुझसे पूछा था इसके बारे में, इसलिए बता रहा हूँ, नहीं तो बताता नहीं मैं। जैसे कोई मान लीजिए यूएस से कुछ शिप आ रहा है इंडिया से, यूएस से कुछ शिप आ रहा है इंडिया से, तो वो इंडिया की डायरेक्टरी के अंदर एंट्री जैसे करेगा ना, और मान लो डायरेक्टरी यहाँ से इंडिया की डायरेक्टरी शुरू होती है, फिर डायरेक्टरी के अंदर जैसे वो कहीं पर भी डूबता है और उसमें जितना भी नुकसान होगा वो सारा का सारा जिस इंश्योरेंस कंपनी से कराया होगा, जो इंडिया की इंश्योरेंस कंपनी रही होगी वही उसको भी पे करेगी, ठीक है। तो क्या होता है यूएस में यदि कुछ नहीं पाता तो यूएस यूएस अगर हमसे सबमिट ले रहा है ऐसी अमानत जिस वहां जाता है, तो हम लोग वहां की कंट्री से क्या कराते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं। तो अगर हमारे शिप को कोई भी नुकसान होता है तो वो उनकी कंपनी के अंदर जो भी होता है अमाउंट उस पर हमें पे करती है। तो इंश्योरेंस का हो गया, बैंकिंग हो गया, जैसे हम यूएस के बैंक से कुछ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, बैंकिंग इंश्योरेंस, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, शिपिंग, शिपिंग पानी का जहाज उसमें आ जाएगा, शिपिंग ट्रांसपोर्टेशन चालू है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा, तो विद इंक्लूड इंश्योरेंस, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा, इन सबको इंक्लूड किया जाता है। अगर बेटा हम सर्विस रेंडर कर रहे हैं, सर्विस rendered to abroad, rendered to abroad, अगर सर्विस दी जा रही है किसी को बेटा अब्रॉड को, तो कहाँ पे शो करेंगे बेटा उसको? अगर हम सर्विस rendered to abroad को, तो कहाँ पे शो करेंगे उसको बताइए? मतलब कहाँ पे करेंगे? सर्विस ले रहे हैं ना बेटा, rendered होगा लेना, लेना है ना, क्या बताना है इसमें? बताना है कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा, डेबिट साइड में आएगा, रिसीव में आएगा, पेमेंट में आएगा? डेबिट में आएगा सर, डेबिट में आएगा। अच्छा, और दीपक आप बताओ भाई कितना आएगा क्रेडिट साइड? दीपक बोला, दीपक बोला रिसीव में आएगा, क्रेडिट साइड में। गौतम आप बताओ, गौतम सचिन आप बताओ भाई, भाई फिर से बताना क्या क्वेश्चन? अरे भाई हमने सर्विस दी है फॉरेन को, ठीक है, सर्विस रेंडर्ड टू अब्रॉड लिखा हुआ है, एग्जाम में ऐसे लिखा आएगा, इसलिए मैं सारे पॉइंट आपसे इतनी अच्छी तरीके डिस्कस करूंगा, आपको कोई बिल्कुल भी डाउट ना रह जाए। सर्विस दी है बेटा, बेटा टू लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली दी है, अगर फ्रॉम लिखा होता तो ली होती हमने। सर डेबिट में आएगा, डेबिट में आएगा, डेबिट में आएगा, चलिए बहुत बढ़िया। देखो ये एकदम सही आंसर बोला है कुछ बच्चों ने अभी आपने से, ये बेटा कहाँ पे आएगा? ये आएगा रिसिप्ट में, क्योंकि अगर आप सर्विस दे रहे हैं तो पैसा आएगा या जाएगा?
चुकाना नहीं ना सर अब जो हम दे रहे हैं Yes, क्या बताइए
मुझे आप बताइए रेंका, आप बताइए बेटा। इन्वेस्टमेंट इनकम के बारे में पता भी तो होना चाहिए ना हमें सर। प्रॉफिट रेंका पता है सर? प्रॉफिट प्रॉफिट बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने बताया भाई प्रॉफिट बहुत बढ़िया बेटा। हाँ भाई प्रॉफिट होता है। और बताइए डिविडेंड, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हैं डिविडेंड। डिविडेंड क्या बात है भाई, ये दीपक भाई होगा हमारा भाई, ये बंदा इस बार डिविडेंड ले आएगा चुपचाप। कैपिटल गेन भी होता है। कैपिटल गेन, कैपिटल गेन को इंक्लूड मत कर देना। हां कैपिटल गेन जो शेयर डिवेंचर पे हम लोग कमाते हैं ना, वो इन्वेस्टमेंट नहीं होता बेटा, वो तो एक सट्टा होता है ना, सट्टे का वो पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं होता। इन्वेस्टमेंट इनकम है ध्यान रखना, काफी बच्चे को गलत करते हैं। एग्जाम में दिया होता है जैसे अभी आप पढ़ो ना, जब करंट अकाउंट करा रहा हूँ जैसे कैपिटल अकाउंट कराऊंगा तो बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कैपिटल अकाउंट के अंदर इन्वेस्टमेंट आती है, करंट अकाउंट के अंदर इन्वेस्टमेंट इनकम आती है ध्यान रखना। अगर आप एक कंपनी को परचेज कर रहे हो कैपिटल अकाउंट में आएगा, नहीं कंपनी पे आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो इसमें आएगा करंट अकाउंट में, आप ये बात ध्यान रखना सब बच्चे। नहीं बच्चे इतना कंफ्यूज होते हैं, बहुत गलत करते हैं क्वेश्चन को, तो उसके अंदर एग्जाम्पल जो एग्जाम में पूछ रहे हैं मैक्सिमम मैंने लिख दिए, इंटरेस्ट लिख दिया, प्रॉफिट लिख दिया, डिविडेंड लिख दिया, रेंट लिख दिया, ये हमारी इन्वेस्टमेंट इनकम होती है। अगर बेटा आपको इन्वेस्टमेंट इनकम मिली है, इन्वेस्टमेंट इनकम एग्जाम में इन्हें लिखा होगा इन्वेस्टमेंट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वहां लिखेगा प्रॉफिट फ्रॉम अब्रॉड, प्रॉफिट अर्न बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉम जापान, तो ये किसमें रिकॉर्ड होगा, करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रॉफिट अर्न बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉम जापान, तो भाई वो बोलेगा जापान से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने प्रॉफिट अर्न करा है, तो वो कहाँ पे शो कर देंगे आपको, तो आप बोलोगे इट विल बी रिकॉर्डेड इन करंट अकाउंट ऑन अ इन अ क्रेडिट साइड, और रिसिप्ट लिख देना साथ में, एंड इट लीड टू इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये किसको इनफ्लो करेगा, फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री में आएगा, इट लीड टू इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इससे हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज आएगा। चीजों को आप समझना भाई, देखो मैं इतनी डिटेल में आपको कोई चीज कराता हूँ, उसका रीजन ये होता है कि आप चीज को इतना डीपली समझ लो, क्वेश्चन कैसे भी घूम के आ जाए उसका आंसर भी आप वैसे दोगे। अभी मैंने बच्चों को टेस्ट में क्वेश्चन दिया था कि नेपाल से ना, नेपाल से हमें डोनेशन मिला है, कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, बच्चे कह रहे थे करंट अकाउंट में होगा, अगर करंट अकाउंट में होगा तो लिखना कैसे, टू मार्क्स में इट विल रिकॉर्डेड इन टू करंट अकाउंट ना, बीओपी अकाउंट है ना, करंट अकाउंट के बीओपी अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, एंड इट लीड टू इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इसमें फॉरेन एक्सचेंज का क्या होगा, इनफ्लो होगा, क्योंकि फॉरेन कंट्री से हमारी कंट्री में पैसा आएगा ना, तो इस तरीके से लिखना होता है। तो इन्वेस्टमेंट इनकम अगर आपको कहां से मिली बेटा, फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम अब्रॉड से अगर आपको मिली है तो कहां पे दिखाएंगे, इसे क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, ठीक है। और समझ जाना बेटा क्या होगा, इनफ्लो होगा, ठीक है, रिसिप्ट लिख देता हूं मैं, तो इसमें क्या होगा, इनफ्लो होगा। और अगर बेटा क्या करा है, इन्वेस्टमेंट इनकम टू अब्रॉड, इन्वेस्टमेंट इनकम टू अब्रॉड, टू अब्रॉड, तो डेबिट साइड में आ गए, कहां पे आएगा बेटा, पेमेंट में आएगा, बेटा समझ आया नहीं आया? बोलते रह करो बेटा, म्यूजिक में कुछ ना बोलते रह करो, पता चलता है तुम लोग को। आयुष आ रहा भाई सामने, आयुष आ रहा है भाई सामने, कुछ बेटा यहाँ तक क्लियर हुआ था बच्चों को, निखिल आ रहा है भाई से,
कंपनी या भाई साहब छोड़ दे। चलो बेटा रेस्ट कर दो तो कर दो। देखिए अब बेटा इसके बाद एक पॉइंट और रह रहा है, अभी वो और बता देता हूँ। ये आपका बेटा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई, आपका ए बी सी डी थ्री पॉइंट है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। बेटा अगर इंडिया का कोई लेबर है तो फॉरन में बेटा जॉब करने के लिए जाता है, तो क्या अर्न करके लाता है बेटा वो? वेजेस या सैलरी। इट इंक्लूड क्या इंक्लूड किया है सर? इट इंक्लूड वेजेस एंड सैलरी, एंड सैलरी, ठीक है। इसमें वेजेस सैलरी इंक्लूड किया सर जी। अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कहाँ से मिला है आपको? अब्रॉड से, फ्रॉम अब्रॉड। तो कहाँ पे रिकॉर्ड होगा बेटा इसको? क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। इसमें रिसिप्ट क्या होगा? इनफ्लो होगा फॉरेन करेंसी का, और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय टू अब्रॉड, टू अब्रॉड। तो इसे कहाँ पे शो करेंगे बेटा? डेबिट साइड में शो करेंगे पेमेंट। अब जाके पूरा खत्म होता है, ठीक है जी। तो ये अब आपका बेटा पूरा करंट अकाउंट पूरा फिनिश हो गया है। अभी आज आपसे मैं क्वेश्चन आंसर डिस्कस नहीं करूंगा, क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में। जैसे क्वेश्चन आंसर आते हैं ना, किस तरीके से आते हैं, वो सारे मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में। आज तो मुझे सिर्फ पढ़ाना है, कंप्लीट कराना है। बेटा कशिश आप एक्सप्लेन करिए पूरा करंट अकाउंट जल्दी से मुझे, दो मिनट में। कशिश कंडलवान कर देगी ये बहुत जल्दी, अच्छे से एक्सप्लेन कर देगी। कशिश करो बेटा। सर करंट अकाउंट कंप्यूटर इट रिकॉर्ड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन यूनिलैटरल ट्रांसफर्स विद ऑफ वन कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। सर इसके कंपोनेंट्स होते हैं, पहला मर्चेंडाइज ऑफ गुड्स, इसका मतलब है कि सारे फिजिकल गुड्स भी इंक्लूड करते हैं, जिसमें अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो वो क्रेडिट साइड पे आता है, मतलब रिसिप्ट है, हमारे लिए इनफ्लो है फॉरेन करेंसी का। अगर हम इम्पोर्ट कर रहे हैं तो डेबिट साइड में आएगा पेमेंट, क्योंकि हम इम्पोर्ट कर रहे हैं तो हमें पैसा पे करना होगा, तो आउटफ्लो होगा। और ये बीओटी अकाउंट में प्रिपेयर होता है इसमें। और सेकंड है इनविजिबल ट्रेड, जिसमें सारे नॉन फिजिकल गुड्स होते हैं। इसके चार कंपोनेंट्स होते हैं, पहला होता है सर्विस, जिसमें बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब इंक्लूड होता है। अगर हम सर्विस दे रहे हैं अब्रॉड में तो वो क्रेडिट साइड पे आएगा, और अगर हम सर्विस ले रहे हैं तो वो डेबिट साइड पे आएगा। और सेकंड कंपोनेंट है यूनिलैटरल ट्रांसफर, इसका मतलब है जब वन साइडेड ट्रांसफर होता है, जैसे गिफ्ट्स या ग्रांट या डोनेशन जब एक कंट्री दूसरी कंट्री को करते हैं। और सर इसमें अगर हम यूनिलैटरल ट्रांसफर अब्रॉड को मतलब दे रहे हैं तो वो क्रेडिट साइड पे आएगा, और ले रहे हैं तो डेबिट साइड पे। और थर्ड कंपोनेंट है यूनिलैटरल ट्रांसफर टू अब्रॉड होगा तो डेबिट। थर्ड है इन्वेस्टमेंट इनकम, जिसमें इन्वेस्टमेंट इनकम इंक्लूड करता है इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड, रेंट, ये सब चीजें। और अगर हमें इनकम मिल रही है अब्रॉड से तो वो क्रेडिट साइड पे आएगा, और अगर हम पे कर रहे हैं अब्रॉड में तो डेबिट साइड। और फोर्थ है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, इसका मतलब है वेजेस और सैलरी। अगर हमें ये वेजेस एंड सैलरीज मिल रही है अब्रॉड से तो वो क्रेडिट साइड पे आएगा, और अगर हम पे अगर वेजेस टाइम में पे कर रहे हैं तो बेटा ये डेबिट साइड पे, ठीक है बेटा। सबको समझ आए? जितनी कमीशन किसमें आएगी? कमीशन किसमें आएगी? कमीशन कमीशन बेटा कंपनसेशन एम्प्लॉय में ही आएगी। कमीशन इज ए पार्ट ऑफ पे, क्योंकि कमीशन में भी क्या करता है कोई कोई मतलब कोई भी मतलब वर्कर है वो अपनी सर्विस देता है, जैसे कोई एजेंट है वो अपनी सर्विस देता है, तो सर्विस के बदले उसे क्या मिलती है बेटा? कमीशन मिलती है। तो वो भी कितनी आएगी? आपकी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में आएगी। बेटा क्लियर हुआ यहाँ तक? दीप्ति नमन भाई क्लियर? यस सर।
अब हमारा कैपिटल अकाउंट। हाँ भाई आ गई आ गई। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट क्या होता है बेटा? व्हाट इज द मीन ऑफ कैपिटल अकाउंट? आपका कैपिटल अकाउंट क्या होता है बेटा? देखिए ऐसा कोई भी अकाउंट बेटा, इट रिकॉर्ड, इट रिकॉर्ड, इट रिकॉर्ड ऑल इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, ऑल इंटरनेशनल, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। इसमें सारे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन आती हैं, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन।
तो टाटा करना जो टाटा का पूरा का पूरा कंट्रोल होगा इस दूसरी फर्म के ऊपर जो फर्म ने परचेज कर ली है पूरी फर्म के ऊपर कंट्रोल जिसका हुआ टाटा का होगा तो उसी को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं क्योंकि क्या बोलते हैं बेटा हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ठीक है उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं दूसरा होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पॉइंट को देख के नोट डाउन कर
लाने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो जाते हैं, है ना। अगर आप 100% भी रहोगे मेरे साथ साथ तो मे भी आपके 100% आ सकते हैं, लेकिन अगर आप अपना 110% देना स्टार्ट कर दोगे उस दिन आप 100 marks के लिए एलिजिबल हो जाओगे, या पूरे योग्य रहोगे कि आप 100 marks ले सकते हो। तो इसलिए आपको एक स्टेप हमेशा आगे रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं सिर्फ मेरा काम होता है, टीचर का काम क्या होता है, फिर बच्चों को गाइड करना, उनको सही राह दिखाना, सही चीजें बताना। अब अगर चलना तो आपका काम है ना सारा का सारा, तो इसलिए आप लोग को मैं यही बोलूंगा, आप लोग थोड़ा सा एफर्ट अपना भी देख रहे हो, ऐसे देखते हो आपके से काफी बच्चे, बट मैं ये सबको ही बोलूंगा ये बात, जितना करोगे वो 100 marks का है जो मैं करवाऊंगा, लेकिन उसके अलावा अगर एक्स्ट्रा लेके चलोगे जब भी, तो आप 100 marks का पेपर पूरा अपनी क्रिएटिविटी के साथ अटेम्प्ट कर पाओगे। जैसे मॉर्निंग के बैच में कुछ बच्चे आते हैं वो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं और बहुत अच्छा एफर्ट भी देते हैं, इवन आपके बैच में भी काफी बच्चे हैं बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बट और अच्छा पढ़ने की जरूरत है क्योंकि भाई हमें 100 marks लाने हैं। देखिए अब होता है बेटा एक्सटर्नल बोरिंग, एक्सटर्नल बोरिंग, एक्सटर्नल बोरिंग क्या होती है बेटा? एक्सटर्नल बोरिंग होती क्या है स्पेशली, इट इंक्लूड कमर्शियल बोरिंग, इसमें स्पेशली कमर्शियल बोरिंग को इंक्लूड करते हैं, कमर्शियल बोरिंग जो स्पेशली इंक्लूड होता है एक्सटर्नल बोरिंग, और भी होता है शॉर्ट टर्म और टर्म भी इंक्लूड होता है, लेकिन जो स्पेशली होता है कमर्शियल बोरिंग होता है। अभी कमर्शियल बोरिंग क्या है जैसे बेटा इससे एग्जाम्पल जैसे समझाता हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है हमारा, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को बेटा किसकी रिक्वायरमेंट है लोन की, अब हमारा SBI को लेंडिंग कर रहा है, SBI लेंडिंग कर रहा है, SBI ने इसको उधार दे दिया हमारे स्टेट बैंक ने, इसको पाकिस्तान को कितने उधार दे दिया, $100 करोड़ का कर दिया, $100 करोड़ का कर दिया या बिलियन भी कर लो डॉलर कर दिया, $100 billion, ठीक है, बिलियन डॉलर क्या कर रहे हैं इसने, इसको बेटा लोन दे दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को लोन दे दिया, ठीक है। ऐसे ही हमारे इंडिया ने किससे लोन लिया है, जैसे इंडिया को कमर्शियल बैंक लोन दे रहा है, ऐसे ही US के अंदर कोई कमर्शियल बैंक है, US का कोई कमर्शियल बैंक है, US का कोई कमर्शियल बैंक है जिसने इंडिया की गवर्नमेंट को, जिसने इंडिया की गवर्नमेंट को लैंडिंग कर दी, मतलब इंडिया की लैंडिंग, इंडिया ने क्या करा वहां से बोरो कर लिया, अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ इंडिया बोरो कर रही है कहां से बेटा, फ्रॉम अब्रॉड से, कितना बोरो करा, $150 billion करा, $150 billion करा, तो बेटा इनके बीच में नेट निकालेंगे, नेट मतलब जैसे जो रिकॉर्ड होगा वो कितने का होगा, रिसिप्ट में तो दिखा देंगे, जो कैपिटल अकाउंट बन रहा होगा रिसिप्ट में तो दिखा देंगे 150, और पेमेंट में कितना गया हमारी कंट्री से 100 गया है, तो उनके बीच का डिफरेंस कितना गया 50, तो मतलब इस तरीके से डिफरेंस का रिकॉर्ड किया जाता है यहाँ पे, आप समझ रहे हो ना, इनफ्लो में जो पैसा आ रहा है, तो जो हम क्या कर रहे हैं लैंडिंग कर रहे हैं, हमारा कमर्शियल बैंक लैंडिंग कर रहा है टू अब्रॉड को, कमर्शियल बैंक लैंडिंग कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा, लैंडिंग कर रहा है टू अब्रॉड को, टू अब्रॉड को, तो इसे कहाँ दिखा देंगे, डेबिट साइड में दिखाएंगे, डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, ऑफ कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे पेमेंट में, क्योंकि पैसा जा रहा है। और अगर बेटा हम लोग लोन ले रहे हैं, अगर हम इंडिया बोरो कर रहा है फ्रॉम अब्रॉड, इंडिया बोरो कर रहा है, बोरो कर रहा है फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम कमर्शियल बैंक, फ्रॉम फॉरेन कमर्शियल बैंक, फ्रॉम फॉरेन कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक, अगर कोई भी फॉरेन कमर्शियल बैंक है, अगर इंडिया उससे बोरो कर रहा है तो बेटा उसे कहां दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड किसने, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ठीक है भाई। अब इसकी बात आपका लास्ट पॉइंट है फोर, एक्सटर्नल असिस्टेंस, एक्सटर्नल असिस्टेंस, एक्सटर्नल असिस्टेंस। अब एक्सटर्नल असिस्टेंस क्या होता है बेटा, देखिए इसमें स्पेशली गवर्नमेंट एड आती है, इट इंक्लूड गवर्नमेंट एड, यार ये गलत नहीं है, ये नहीं आते, मैं इसको थोड़ा ड्रॉप करता हूँ फिर बताता हूँ बेटा, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ समझ तो वो सर, एक बार समझाया भाई, अच्छा पूरा समझा दूँ, सही एक्सटर्नल बोरिंग,
वही तो पूरा बेटा मैंने बहुत सिंपल सा बताया कि अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, अगर ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो अगर कमर्शियल बैंक है बताओ आप इंडिया का, इंडिया का तो ये लोन दे रहा है किसको दे रहा है बेटा, ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट को दे रहा है। लैंडिंग कर रहा है, लैंडिंग होता है उधार देना, ये लैंडिंग कर रहा है पाकिस्तान की गवर्नमेंट का। ऐसे इंडिया भी तो लैंडिंग, इंडिया भी तो बोरो कर सकती है कहाँ से, अब्रॉड से। इंडिया का कोई फॉरेन कमर्शियल बैंक है, कोई फॉरेन कमर्शियल बैंक है, फॉरेन कमर्शियल बैंक है, ठीक है भाई। अब इंडिया की गवर्नमेंट क्या करती है, उससे बेटा लोन ले रही है, इट इज ए बोरोइंग। भैया ये क्या कर रहा है बेटा, बोरोइंग कर रहा है। इंडिया बोरो कर रही है कहाँ से, फ्रॉम फॉरेन कमर्शियल बैंक से। तो अगर बेटा हमें पैसा मिल रहा है तो उसे कहाँ दिखाएंगे, जो ये इसे दिखाएंगे हम क्रेडिट साइड में, क्योंकि पैसा आ रहा है तो क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। क्रेडिट साइड मतलब कैपिटल अकाउंट में, और बेटा जो हमारा पैसा जा रहा है इंडिया जो पाकिस्तान को लोन दे रहा है वो पेमेंट में दिखाएंगे। कहाँ पर दिखाएंगे, डेबिट साइड पेमेंट में, कौन से अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट। हाँ भाई आए बेटा। यस सर। आपका लास्ट पॉइंट है फोर्थ पॉइंट, इसे बोलते हैं एक्सटर्नल असिस्टेंस, एक्सटर्नल असिस्टेंस। एक्सटर्नल असिस्टेंस, एक्सटर्नल असिस्टेंस क्या होता है बेटा, असिस्टेंस के अंदर स्पेशली क्या इंक्लूड किया जाता है, जैसे ना इसमें इंक्लूड किया था गवर्नमेंट एड, गवर्नमेंट एड मतलब गवर्नमेंट जो सहायता करती है, या मल्टीलेटरल लोन, मल्टीलेटरल लोन, मल्टीलेटरल, मल्टीलेटरल मल्टीलेटरल लोन एंड बायलेटरल लोन, बायलेटरल लोन। अब आप ये बोलोगे मल्टीलेटरल लोन और बायलेटरल लोन क्या होते हैं, गवर्नमेंट एड क्या होती है। देखिए जैसे बेटा इंडिया की गवर्नमेंट है, इंडिया की गवर्नमेंट यूएस की गवर्नमेंट को, यूएस की गवर्नमेंट की हेल्प कर रही है लोन देकर, क्या देकर, लोन देकर। ये हेल्प के पर्पज पे लोन दिया जा रहा है, ध्यान रखना मेरी बात में क्या बोल रहा हूँ। इंडिया की गवर्नमेंट लोन दे रही है किसको, यूएस की गवर्नमेंट को। बट अगर वो, अगर बच्चे बोलेंगे तो पीछे भी तो आपने ही पढ़ाया अभी कमर्शियल लोन में, नहीं वो मैंने बोला था कमर्शियल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दे रहा है, वो बैंक दे रहा था भाई, वो कोई बैंक देता है दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट को। बट यहाँ पे बैंक नहीं है, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे खुद गवर्नमेंट है, यहाँ पे एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट की हेल्प करने के लिए लोन देती है, एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट की हेल्प करने के लिए लोन देती है, और एक गवर्नमेंट इंडिया की गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट फॉरेन से लोन ले भी सकती है, फॉरेन से लोन ले भी सकती है। फॉरेन मतलब ऊपर मैंने एक वर्ड यूज करा मल्टीलेटरल लोन, और बायलेटरल लोन मतलब बायलेटरल लोन का मतलब हो सकता है क्या पता मैं एक ही कंट्री से ले रहा हूँ, यूएस से ले रहा हूँ, और हो सकता है यूएस से ले रहा हूँ, यूके से ले रहा हूँ, जापान से ले रहा हूँ, जर्मनी से ले रहा हूँ, ठीक है, तो सब गवर्नमेंट से लोन ले रहा हूँ, इट इज ए मल्टीलेटरल लोन। अगर वो लोग हमें सब मिलकर लोन दे रहे हैं तो मल्टीलेटरल लोन होगा, अगर बायलेटरल मतलब एक ही दो कंट्री के बीच में लोन चल रहा है तो इट इज ए बायलेटरल लोन होगा। गवर्नमेंट एड मतलब फॉरेन गवर्नमेंट हमारी हेल्प करती है, हेल्प मतलब लोन दे रही है। बच्चे बोलते हैं हेल्प, हेल्प करने का मतलब क्या होता है, हेल्प का मतलब होता है अगर बैंक हमें 10% तो एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट को अगर लोन दे रही है तो वो 4% पे दे देगी भाई। अब यार कुल मिला के वो भी तो कुछ प्रॉफिट कमाएगी अपना, लेकिन उसका एड का मतलब होता है वो हेल्प करने का पर्पज है। जो कमर्शियल बैंक हमें 10% पे दे रहा होगा, ये 10% पे ना देकर हमें 4% पे दे देते हैं, तो इसी को हेल्प बोला जाता है। तो यहाँ पर ये होता है अगर हमें बेटा इंडियन गवर्नमेंट फॉरेन गवर्नमेंट को दे रही है तो पेमेंट में दिखा देंगे, और इंडियन गवर्नमेंट को फॉरेन गवर्नमेंट से बायलेटरल लोन मिल रहा है या मल्टीलेटरल लोन मिल रहा है तो वो दिखा देंगे। बेटा मैं इससे ज्यादा डीपली नहीं समझा सकता क्योंकि मैंने एक चीज बहुत डिटेल में बताई है भाई, तो अगर अब भी समझ नहीं आती तो फिर तो भाई इसके अलावा मेरे कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं समझा। कोशिश मैं पूरी कर रहा हूँ, खत्म हो गया बेटा ये आपका कैपिटल अकाउंट। बेटा फोन में चेक
यस सर। सर जो कैपिटल अकाउंट होता है सर वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है एक कंट्री का जो एसेट्स और लायबिलिटी को इंपैक्ट करती है। तो सर इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं लेंडिंग, बोरोइंग, इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। सर कैपिटल अकाउंट्स के आइटम्स जो होते हैं सर वो चार आइटम्स होते हैं जिनमें से पहला आइटम है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो सर जो क्या बोलते हैं एसेट्स एक्वायर करते हैं ना रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से है तो जो कंफ्यूजन होता है। ठीक है सर। चलो बेटा मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट क्लास।